हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रो वाइड। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ऑसस जेन फोन 5G का हैंड्स ऑन। तो ऑसस ने हमें अपने लॉन्च इवेंट में बुलाया था, तो हम वहां पे गए थे और वहां पे इसका हैंड्स ऑन किया था, इसके फीचर्स को एक्सप्लोर किया था और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और सब कुछ टेस्ट किया था। तो वही एक हैंड्स ऑन आपके लिए लेके आया हूं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देख सकते हैं अगर आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस के डिज़ाइन की। तो इस डिवाइस में आपको 6.2 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है जो कि एक IPS LCD स्क्रीन है और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 18:7:9 का और इसका रेजोल्यूशन है 1080x2246 पिक्सल्स। और साथ में आपको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन कौन सा वर्जन है वो नहीं बताया गया। और साथ में इसमें आपको ऊपर की तरफ नॉच मिल जाती है जिसे कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू हाइड भी कर सकते हैं। और पीछे की तरफ आपको एल्युमिनियम ग्लास बॉडी मिल जाती है जो कि काफी प्रीमियम लगती है। तो गाइज ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है तो बिल्कुल प्रीमियम ही लगेगा। और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा, नीचे की तरफ आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ में आपको 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इस डिवाइस के वेट की तो ये है 165 ग्राम्स का। तो जो मैंने इसे यूज़ किया तो ये काफ़ी हैंडी लगा, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये 6.2 इंचेस का डिवाइस है, काफ़ी हैंडी और काफ़ी लाइट वेटेड लग रहा था। तो ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो काफ़ी कमाल की लगी मुझे। यहाँ पे बैक इसका काफ़ी अमेजिंग लगता है, हालांकि ये जो ऑसस का डिज़ाइन है पीछे ऐसे इस टाइप का चमकता है ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी अगर आपको पसंद है तो आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में इसमें आपको डुअल सिम सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, तो अगर आप चाहें तो इसमें माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक सिम की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अगर बात करते हैं इस डिवाइस के प्रोसेसर की तो इसमें आपको क्वालकॉम का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है जो कि है स्नैपड्रैगन 845 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और ये 10 नैनोमीटर की प्रोसेस पे बना हुआ है। तो यहाँ पे प्रोसेसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया गया है इस फ्लैगशिप डिवाइस में और वहीं पे आपको NFC सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इस डिवाइस में। तो अब बात करते हैं इस डिवाइस के हाइलाइटेड फीचर्स जो कि ऑसस ने बहुत हाइप क्रिएट करी थी जिसके लिए कि भैया इसके कैमरास की। तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ डुअल कैमरा देखने को मिल जाते हैं 12+8 मेगापिक्सल के। जो प्राइमरी सेंसर है उसका अपर्चर है f1.8 और साथ में उसमें आपको 1.40 अल्ट्रा माइक्रोन पिक्सल साइज मिल जाता है। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ और यहाँ पे आपको रेयर कैमरा में OIS एंड EIS का सपोर्ट दिया गया है, तो आप काफ़ी स्टडी वीडियोज़ और इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो आपको 8 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आपको EIS का सपोर्ट दिया गया है। इस डिवाइस में आप डिफरेंट FPS में वीडियोज़ को शूट कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आप इसमें 4K वीडियोज़ को अप टू 60 FPS शूट कर सकते हैं। और इस डिवाइस में फ्रंट एंड रेयर दोनों कैमरा से आप पोर्ट्रेट इमेज बोके इफेक्ट वाली कैप्चर कर सकते हैं और साथ में इसमें आपको प्रो मोड भी दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं इस डिवाइस के सॉफ्टवेयर की तो इसमें आपको एंड्रॉइड ओरियो 8.0 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे 8.1 नहीं दिया गया है, 8.0 दिया गया है और ये चलता है जेन UI 5.0 पे जो कि ऑसस का कस्टमाइज्ड OS स्किन है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं इस डिवाइस की बैटरी की तो इसमें आपको 3300 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और अब बात करते हैं इस डिवाइस के वेरियंट्स की तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे इस डिवाइस में। जो पहला वेरियंट है वो है 6GB 64GB जिसका प्राइस रखा है 29,999 रुपये और जो दूसरा वेरियंट है वो है 6GB 128GB तो उसका प्राइस है 32,999 रुपये और जो टॉप मॉडल है वो है 8GB 256GB का तो उसका प्राइस है 36,999 रुपये। तो यहाँ पे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे जो इसका बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वो ज़्यादा सही लग रहा है, 30,000 में उसके टक्कर का कोई डिवाइस इस टाइम पे नहीं है। तो अगर हम कहते हैं कि भाई OnePlus 6 तो बर्बाद हो जाएगा इसके आने से, तो जी हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे ये डिवाइस काफ़ी कमाल का है, काफ़ी कम बजट में इन्होंने फ्लैगशिप डिवाइस हमारे सामने पेश किया है तो ऑसस को इसके लिए बिग थम्स अप। लेकिन यहाँ पे OnePlus 6 की भी अपनी खूबियां हैं, उसकी अपनी ऑडियंस है तो OnePlus 6 को भी भूला नहीं जा सकता, उसमें भी कमाल के फीचर्स दिए गए हैं। तो ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन और आपका क्या है इस डिवाइस के बारे में यानी कि ऑसस जेन फोन 5G के बारे में ओपिनियन, वो मुझे आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि ऑसस जेन फोन 5G के कुछ और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए और हो सका तो आपके लिए इस डिवाइस का कैमरा रिव्यू भी लेके आऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आता रहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।